राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सौगरवाल, एसडीएम खजनी अनुज मलिक, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम केविन पेयरगज अरुण कुमार सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा बकाया धनराशि को वसूल किया जाए, जिससे राजस्व को बढ़ाया जा सके। डीएम ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो होंगे तो एक बार डीएम साहब से मिलवा दीजिएगा और प्रेस में भी दे दीजिएगा। हमें बुलाते हैं, गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी, तो ये 50 करोड़ रुपए तो आपको वहाँ से आ गया। 60 करोड़ कहा तहसील की लैंड है, परचेज करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसको रीसेल लेगी। कह सकते हैं सहजनवा में गीता दो गांव की नहीं मान रही, आप 55% पूरा करिए। मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। ओके, तो आप आपका जो ये 45% है, हाँ, मतलब आपको तो नहीं छूट मिल सकती ना, आपका तो सबका बंद था, आपका चल रहा था। अच्छा, मनोरंजन कर का तो बहुत छोटा सा ही है। परिवहन बताएं तो परसों करिए, सर से पत्र लिखवाइए, फोन करें। सर इस महीने में उन्होंने पिछले महीने 1 करोड़ सर जमा किया। अच्छा अच्छा, से सभी सर आने हैं सर। अच्छा हाँ, और सर 313 करोड़ बचा हुआ है तीन महीने के लिए। हाँ, 313 करोड़ मिल जाएगा, पुराना बचा हुआ करोड़। नगर निगम से कोई आता था टैक्स वाले? नहीं, पिछले में आपके वो बाबू आए थे, उन्होंने कहा था अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जोर फिर वाणिज्य कर को ही लगाना है, और वाणिज्य कर और आबकारी को, आबकारी भी अभी 50% पे चल रहा है आपका, जो मुख्य देय और इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब क्या सभी लोग करने लगे 100% वसूली? ऐसा क्यों? नहीं, जबरदस्ती की बात भी हमने नहीं कहा। मैंने केवल एक बात ये कहा था, इससे क्या फायदा? नहीं, हम आपसे एसडीएम साहब से नहीं कह रहे, मैं तो तहसीलदार साहब से मैंने ये कहा था कि आप एक्सेल सीट डाउनलोड कर लें, सभी को मर्ज कर लें, फिर टॉप टू बॉटम सॉर्ट कर लें, तो आपको एक तो टॉप 10 या टॉप 20 मिल जाएंगे। तो किसी ने कोई साइट देखता नहीं है, साइट से डाउनलोड करवाता भी नहीं है, तो वसूली इतना, ये तो सामान्य सा है, बहुत बहुत आसान है इसको करना। मैं पिछली बार जिन जिन तहसीलों में गया, हमने देखा था कि टॉप 10 की फाइलों पे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्या इस बार कर ली है? जी सर। टॉप 10 देखी आप लोगों ने? जी सर। टॉप 10 वो वाला जो एक बार चला आता है, यार मतलब टॉप 10 तो हमेशा रिवाइज होता रहेगा, रिवाइज वाला टॉप 10 देख लिया है। चोरी चोरा में टॉप 10 में सबसे टॉप पे कौन है? 5 लाख का है बंदा। चोरी चोरा तहसीलदार साहब क्या बता रहे? बता रहे टॉप 10 में आपका टॉप पे कौन है? 5 लाख तो बहुत छोटी फिगर है, टॉप 10 में कोई भी होगा तो मिनिमम से मिनिमम करोड़ रुपए का होगा। कोई भी 50% के ऊपर नहीं कर पाया है अब तक सर, 50-52% टोटल में तो सभी लोगों ने 109% कर लिया सर, क्रमिक में कोई भी 52 के ऊपर नहीं कर पाया। बुला ले रहे निकल गए। अच्छा, तहसीलों में सर अब हमें वसूली करनी होगी सर। हाँ, तो और जी 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 सर दे रहा हूँ, आप एक बार अपना देखें तो कि आपके आप लोग अपना टॉप 10 भी नहीं देख रहे हैं। टॉप 10 एटलीस्ट देखेंगे तब और भी देखेंगे। टॉप 10 देखें, सेल्स को देखें, वसूली पर और WBN सेक्शन आपका एकदम रिस्पांस नहीं कर रहा है। हमें अमीनों की वरिष्ठता सूची बनानी है, हमने करीब 8-9 रिमाइंडर भेजे, तो फिर एक पत्र इसलिए भेजा कि अगर नहीं कर रहे हैं तो WBN को यहाँ भेज दे, वो बैठ जाए, बनवा के चला जाए। आज हमने यही सोचा था कि आप लोग आएंगे, तो मैं फिर से कहूँगा कि WBN को भेजें, वो सूची हमें जनवरी 2020 में अपलोड कर देनी थी। पूरा लगभग साल भर गुजर गया, हमने कई रिमाइंडर भेजे, फिर आप लोगों से चर्चा भी की। आप ये करिए कि कल WBN को भेज। पूछा सर,
ये कह रहे हैं टॉप 10 का हमारे तहसील का हाईएस्ट 5 लाख का है, ये संभव नहीं है सर। हाईएस्ट मिनिमम करोड़ का होगा और सदर में तो मिनिमम 4-5 करोड़ वाला पहला व्यक्ति होगा जो हाईएस्ट टॉप 10 का होगा। तो इसका सबसे सरल तरीका यही था, अगर आपको WBN या कोई नहीं बना रहा है, अब हर चीज ऑनलाइन है, वेबसाइट पे है, उसमें अगली बार जब भी वो वसूली की समीक्षा करें तो हम कुछ कार्रवाई करके कम से कम ये बता सकेंगे कि साहब काम नहीं हुआ तो ये कार्रवाई हुई। और एक पिछली स्टाफ मीटिंग में तय हुआ था कि हम जिनकी जमीन पुर्क करेंगे उनको वाकई कुर्की की कार्रवाई करके उनको किसी और को पट्टे पर दे देंगे। क्या अगले महीने तक कर पाएंगे? कर लेंगे जरूरी। नहीं, इस पर चेयरमैन साहब बड़ा नाराज हो रहे थे, इसलिए पूरा प्रदेश जैसे हम लोग उत्तर देते हैं जैसे आप उत्तर दे रहे हैं, वैसे ही सर का कहना था कि आप कर लेंगे तो अब तक क्यों नहीं किया, ये वो प्रश्न बार बार कर रहे थे।